एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम रेंज। देखो मैक्सिमम रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो हम बात करते हैं कि एक कंपटीशन है और फिर अगेन जेवलियन थ्रो का कंपटीशन है और बहुत सारे प्लेयर्स हैं, दो प्लेयर को बुला लिया, उसे कहा भाई ऐसा है कि तुम दोनों ने वेलोसिटी फेंकने की जेवलियन को 100 मीटर पर सेकेंड रखनी है, दोनों बराबर रखेंगे। लेकिन जब उन्होंने घेरा तो ग्राउंड पे किसी का डिस्टेंस ज्यादा था, किसी का डिस्टेंस कम था, ऐसा कैसे हो सकता है यार, वेलोसिटी तो बराबर ही थी। तो किसी ने क्या किया, प्लेयर ने एंगल फेंकने का थोड़ा बड़ा कर दिया, सपोज 90 कर दिया, ऐसे फेंक दिया, फेंकना तो उधर था, मर्जी है यार, थीटा कुछ भी हो तो 90 कर दिया, 90 में क्या हुआ, जैवलिन ऊपर गया और वैसे ही नीचे पैर के पास गिर गया, तो क्या जीतेगा वो, ग्राउंड का डिस्टेंस मेजर करने गिरा तो सामने ही है। तो दूसरे ने क्या किया, एंगल थोड़ा कम रख लिया, तीसरे ने और कम रख लिया, चौथे ने कहा ये तो बढ़िया है, 90 पे जैवलिन दूर नहीं जाता, 80 पे थोड़ा दूर जाता है, 70 पे और दूर जाता है, 60 पे और दूर जाता है, मैं काम करता हूँ, मैंने एंगल 1 डिग्री रख लेता हूँ, 1 डिग्री पे फिर यही गिर गया, बात तो फिर वही आ गई। तो इसलिए आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एंगल की, स्पीड दोनों ही 100 है, यानी कि उनको चेंज करने के लिए क्या मिला, सिर्फ एंगल। तो ये तो बात मानते हो कि एंगल अगर डिफरेंट होगा तो रेंज डिफर करेगी, हमें एक ऐसा एंगल चूज करना है कि वेलोसिटी दोनों प्लेयर की सेम है लेकिन वो एक प्लेयर ऐसा एंगल पे जैवलिन फेंकेगा कि रेंज मैक्सिमम आएगी, दूर से दूर जाके गिरेगा। तो ये रेंज का फॉर्मूला है, रेंज मैक्सिमम के लिए साइन में ऐसा एंगल हम ढूंढेंगे कि साइन की ये वैल्यू मैक्सिमम आए, और मैक्सिमम वैल्यू साइन थीटा की क्या होती है, किसी भी 1, ऐसा कब आएगा 1, जब थीटा क्या होगा 45 डिग्री, 2 × 45 90, साइन 90 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1, तो मैक्सिमम रेंज आ गई। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या बना, लिख लो फॉर्मूला रजिस्टर में, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला रह गया सिर्फ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, राइट। अब इमेजिन करो जो जैवलिन फेंकते हैं, आपने कभी देखा किसी प्लेयर को, वो खड़ गया, बस खड़ा है गोले में, उसे कहा चल फेंक, उसने उठा के ऐसे फेंक दिया, फेंका नहीं, फेंकता ऐसे, क्या करता है, बहुत दूर से पहले भाग के आता है, क्यों, वेलोसिटी इंक्रीज के लिए, क्योंकि खड़ा होके फेंकेगा तो वेलोसिटी अगर 100 है, भाग के आएगा अपनी बॉडी को मैक्सिमम भाग के आएगा, तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी उसकी बढ़ जाएगी, थ्रो ज्यादा आएगा, मान लो 120 हो गई, तो एक तरीका जैवलिन दूर फेंकने का वेलोसिटी बढ़ाना। अब दोनों प्लेयर 120 120 पे फेंकते हैं, एंगल एक क्या रखता है 45, तो रेंज क्या आएगी मैक्सिमम, और एक 60 डिग्री रख गया, अब देखो ये हाथ में नहीं है, प्रैक्टिस है, अब ये कोई वो थोड़ा ना कि स्केल लेके थोड़ा बैठे हैं कि आया है और ऐसे मशीन थोड़ी ना ऐसे फेंक रही है। अब आपने देखा होगा हर प्लेयर का जैवलिन फेंकने का स्टाइल है, रन अप है, रन अप सब सेम ले रहे हैं, लेकिन फेंकने का स्टाइल देखा है, पूरा जोर लगा के 45 डिग्री पे फेंकते हैं, अब उनको पता होता है कि 45 डिग्री पे मैक्स आना है, तो वो अपना एंगल ही ऐसे बनाते हैं, और उसके बाद जहां गिरते हैं गिर जाए फर्क नहीं पड़ता, पर फेंकते हुए एंगल हमेशा 45 ही बनाएंगे, तभी तो जैवलिन दूर जाएगा। तो यानी कि इस गेम में अगर किसी वेलोसिटी 120 नहीं है और 110 भी है, पर 110 वाले ने एंगल रख लिया 45 और 120 वाले ने एंगल रख लिया 80, तो 110 वाला जीत जाएगा, यानी कि वेलोसिटी के साथ ये कोऑर्डिनेशन किसका है, एंगल का भी है, तो ये गेम जो है वेलोसिटी और एंगल दोनों की है। पॉइंट समझ में आ रहा है। लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप है, जब जंप करते हैं तो काफी जो नए नए प्लेयर होते हैं ना हाइट ज्यादा अटेन कर लेते हैं, तो कोच कहते हैं भाई ऊपर की जंप थोड़ी ना, मिट्टी में दूर गिरना है तूने, तो अपनी बॉडी को ऐसे फोल्ड करते हैं, बेंड लाते हैं पीछे, हेड भी पीछे, तो इस तरीके से 45 डिग्री पे प्रोजेक्शन होता है, सिखाते हैं ताकि उनकी बॉडी मैक्सिमम रेंज कवर करे, राइट। पॉइंट जितने गेम्स हैं जिसमें मैक्सिमम रेंज है वो सिर्फ 45 डिग्री पे आएगी, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है ये, रेंज रिमेन्स सेम, रेंज सेम रहती है, अगर एक प्लेयर किसी भी प्रोजेक्टाइल को फेंकता है एट एन एंगल ऑफ थीटा विद ग्राउंड, और दूसरा फेंकता है एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा विद ग्राउंड, मतलब एक प्लेयर आया उसे 100 मीटर पर सेकेंड से जैवलिन फेंकना है, एक ने फेंका एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री और एक ने फेंका एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस 30, कितना हुआ 60 डिग्री, रेंज सेम आएगी। आप हो गए कि क्या बात है, एंगल डिफरेंट है तो भी रेंज सेम आएगी, उसका रीजन देखो मैथमेटिकल, जब एंगल थीटा था तो रेंज का क्या फॉर्मूला, वी स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी,
और अगर एंगल थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हो जाए तो यहां रिप्लेस कर दो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, 2 इंटू 90 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस एंगल क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और ये 180 है तो साइन ऑफ क्या आएगा 2 थीटा। देखो रेंज फिर से क्या आ गई सेम, तो पेपर में आएगा ये, ऑब्जेक्टिव बहुत आते हैं स्कूल में भी आएगा सब्जेक्टिव भी आता है कि रेंज सेम है, तो अगर एक एंगल 10 है तो दूसरा 90 माइनस 10 यानी कि 80 रेंज सेम आएगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, सिर्फ रेंज सेम आएगी, मैक्सिमम हाइट और बाकी सारी चीज़ें डिफर करेंगी, सिर्फ रेंज सेम आएगी।